बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जिसका उन्होंने यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द लाइब्रेरी लेक्चर नंबर 2 है आज, जिसका इंफॉर्मेशन एंड अदर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और दूसरी टेक्नोलॉजी कौन सी है जो कि लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की जो लेक्चर आपको पसंद आएगी तो स्टे विद अस। और फर्स्ट स्लाइड पे जब हम रोशनी डालेंगे कि ये इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इन दी लाइब्रेरीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पासिस वेरियस टूल्स सिस्टम्स एंड मेथड यूज इन द लाइब्रेरीज टू मैनेज एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स सिस्टम्स और मेथड आ जाते हैं, और लाइब्रेरी इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करें अच्छे तरीके से। लाइब्रेरीज कंटिन्यूसली एक्सप्लोर एंड एडॉप्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टू एनहांस सर्विसेज, इम्प्रूव डिस्कवरी एंड एंगेज यूजर्स इन इनोवेटिव वेज। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजीज आर सेट ऑफ टूल सिस्टम एंड मेथड यूज टू मैनेज एक्सेस एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन विद इन लाइब्रेरीज। देयर आर सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। लाइब्रेरी में इस्तेमाल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो आजकल के ज़माने में हो रहा है, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस क्या बराबर ताकि एनहांस सर्विसेज लाइब्रेरी की सर्विस बढ़ाया जाए, इम्प्रूव डिस्कवरी लाइब्रेरी के अंदर क्या है इसको डिस्कवर किया जाए और यूजर को एंगेज करें नए तरीके से। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी सेट है एक टूल्स का और सिस्टम्स का और मेथड्स का, जिसका मतलब है कि एक्सेस मुहैया किया जाए, इंफॉर्मेशन को फैलाया जाए लाइब्रेरी के अंदर या लाइब्रेरी के बाहर। जो भी लाइब्रेरी के गोल है इसके मुताबिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज काम कर रही। कुछ एग्जांपल जो कि मैंने कवर किए, अगर देखा जाए तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में एप्लीकेशंस आई हुई और एडवांस कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने कुछ शार्ट ग्लिम्सिस दे दी। इंटीग्रेट लाइब्रेरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आया हुआ ILS उसको कहा जाता है। ILS आर ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट एंड सेंट्रलाइज लाइब्रेरी ऑपरेशन सच एज कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन एंड सीरियल मैनेजमेंट। आप अगर देख लें तो कोहा ILS का एक बेहतरीन सेटअप है जिसमें कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन सब या सर्कुलेशन सर्विसेज, एक्विजिशन या सीरियल मैनेजमेंट को तमाम को जो है इंटीग्रेट किया जाता है और एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ये तमाम फंक्शन कराई जाती है। इसी तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक पोर्टल आया हुआ है जिस पे आप डेटाबेसिस को बिलिंक करते हैं, लाइब्रेरी की वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट होती है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी में एक नए नए तरीके मुतारिफ हुए लाइब्रेरी में। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जिस ओपैक्स कहा जाता है, ओपैक्स आर ऑनलाइन डेटाबेस डेट इनेबल लाइब्रेरी यूजर टू सर्च एंड लोकेट लाइब्रेरी मटीरियल, चेक देयर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरीज होल्डिंग। आजकल हर लाइब्रेरी ने अपने वेबसाइट पर ओपैक दिया हुआ हो, जिससे मुराद ये है कि आपके डिसिप्लिन में जो जो चीज़ अवेलेबल है उसको सर्च किया जाए और सर्च करने के बाद आपको ये बताया जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी चेक करें अपनी जगह पे है या नहीं, और इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें, तो कैटलाग को जो है शोकेस कराया जाए। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम डेम्स, डेम्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव एंड डिस्ट्रीब्यूट डिजिटल एसेट्स सच एज इमेज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। दे आर पार्टिकुलरली एसेंशियल फॉर मैनेजिंग डिजिटल कलेक्शन इन दी लाइब्रेरीज। आजकल एडवांस कंट्री में डिजिटल असिस्टेंट मैनेजमेंट टूल्स, ये इसी से आप ऑडियो वीडियो फाइल इमेजेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर सकते होते हैं। अगर आप डेटाबेस में जाएं तो उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, टाइटल से
फॉर्मेट से, मतलब फॉर्मेट में क्या फॉर्मेट आप ढूंढना चाहते हैं। आपको जस्ट एग्जांपल कोट कर देता हूँ गूगल की। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ऊपर आ जाती है इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है ना एक लाइब्रेरी डेटाबेस में, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में डेंस को बनाया जाता है, जिसका टाइटल होता है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसी से ये तमाम फॉर्मेट में चीज़ें आप तलाश कर सकते हैं। लाइब्रेरी वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स, लाइब्रेरी ऑफन मेंटेन वेबसाइट्स एंड पोर्टल टू प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, सर्विसेज, इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आजकल पूरी दुनिया में लाइब्रेरी अपनी वेबसाइट बनाती है और अपने पोर्टल बनाए जाते हैं, ताकि इस वेबसाइट का या मेंटेन का मकसद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सर्विसेज की एक्सेस मुहैया की जाए किसको, पेटर्स में। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, ERMS। ERM सिस्टम असिस्ट लाइब्रेरी इन मैनेजिंग सब्सक्रिप्शन लाइसेंस एंड एक्सेस राइट्स टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सच एज ई जर्नल्स, डेटाबेस एंड ई बुक्स। ये ERM आया हुआ है, जिसमें कोई भी कंटेंट्स पैटर्न्स एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी कॉपीराइट रिसोर्सेस की लाइसेंस और उसकी एक्सेस राइट्स मुख्तलिफ जर्नल्स के बारे में, डेटाबेस के बारे में और ई बुक्स के बारे में मुहैया की जाती है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये अभी तक मुतारिफ नहीं हुआ, शायद चंद यूनिवर्सिटी में हो, मेरे इलम में नहीं। ओपन URL रिजॉल्वर, ओपन URL रिजॉल्वर यूजर एक्सेस फुल टेक्स्ट कंटेंट्स बाय रिजॉल्विंग साइटेशन इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। ऑफन लिंकिंग यूजर टू सब्सक्राइब कंटेंट्स आर इंटर लाइब्रेरी लोन ऑप्शंस। ओपन URL रिजॉल्वर जो है ना, आप कभी कभार फुल टेक्स्ट को एक्सेस करते हैं तो वहां से URL को कॉपी करते हैं और उसी सिस्टम में पेस्ट करते हैं, जैसे साई हब में, तो आपको फुल टेक्स्ट निकाल दी जाती है। और इसका मतलब ये कि आप सब्सक्राइब करते हैं उस कंटेंट्स को, या इंटर लाइब्रेरी लोन के ऑप्शन के जरिए से आपको चाहिए, तो बजाय आप टाइटल आथर लिखे, आप URL लाइब्रेरियन को सेंड करें, वो आपको एक्सेस मुहैया की जाती है। अगर उसकी लाइब्रेरी में ना हो तो इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए से उसको मंगाया जा सकता है। रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजीज, लाइब्रेरीज एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी सच एज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्रॉक्सी सर्वर्स एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम टू इनेबल रिमोट एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज फॉर ऑथराइज यूजर। आजकल आपके जितने रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, खासकर एमफिल पीएचडी के, उसकी रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजीज की बहुत अच्छा जरूरत, और वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज को या प्रॉक्सी सर्वर के जरिए से, तो सर्वर की दी जाती है या VPN सोर्स दी जाती है, जिससे वो रिमोट एक्सेस कहीं पे भी बैठे हुए अपनी लाइब्रेरी का एक्सेस यानी मालूम हासिल कर सकते। RFID एंड ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग AMH। RFID टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्फ चेकआउट सिक्योरिटी एंड ऑटोमेटिक सॉर्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल एंड ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। आपने अगर नस्ट यूनिवर्सिटी का विजिट किया हुआ हो या लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर का, वहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी में आप सेल्फ चेकआउट और चेक इन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी में वहाँ पे किताब पे एक टैग लगी होती है, कोई भी बुक आप इशू करना चाहते हैं बगैर लाइब्रेरियन के, आप उससे चिप से गुजारते सेंसर से, तो आपको बुक ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी। या जो भी किताब आप बगैर इशू करने जा रहे, तो इसकी जो ना थेफ्ट डिटेक्शन का एक डिवाइस लगा हुआ होता है, सेंसर लगा होता है, इससे बुक्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। फिर है मोबाइल एप्लीकेशन में लाइब्रेरी डिवेलप मोबाइल एप्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, एनहांसिंग यूजर एंगेजमेंट एंड कन्वीनियंस। आजकल बहुत सारी लाइब्रेरी मोबाइल एप्स बना दिए, ताकि जिसके रजिस्टर्ड यूजर को मोबाइल पे ये सर्विस मुहैया किया जाए, टेबलेट्स पे मुहैया किया जाए, और उसको कन्वीनियंट हो, क्योंकि कोई चीज़ ढूंढना हो इमरजेंसी में वो मोबाइल से देख सकते। डेटा एनालिटिक्स एंड यूजेज स्टेटिस्टिक्स टूल, लाइब्रेरीज एम्प्लॉय एनालिटिकल एनालिटिक्स टूल टू गैदर यूजेज डेटा ऑन लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज।
इनेबलिंग इन्फॉर्म्ड कलेक्शन डेवलपमेंट डिसीजन एंड असेसमेंट ऑफ यूजर नीड। कुछ ऐसे डेटा एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर स्टेटा की एग्जांपल ले लें, स्पीसीज की ले लें, आर की ले लें, पीएलएस की ले लें, मोस की ले लें, पाइथन की ले लें, बहुत सारी लाइब्रेरी वहाँ पे जो ना ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करते हैं। बल्कि एक्सपर्ट्स भी अक्सर डेवलप कंट्री में बैठा होता है, आप उसको चार्जेस दे रहे या बगैर चार्जेस की आपको गाइडलाइन दे सकते। तो डेटा एनालिटिक्स एंड यूज स्टेटिस्टिक टूल्स भी आपको बताया जाता है कि लाइब्रेरी कितने लोगों ने यूज़ किया हुआ है और मेरे पास मेरी किताब या कितनी है, मतलब जर्नल्स आर्टिकल्स, तो आपको पूरा स्टेटिस्टिक भी, ये दो किस्म के स्टेटिस्टिक टूल्स मुहैया की जाती है। कोलाबरेटिव टूल्स, एवरेज यूज कोलाबरेटिव टेक्नोलॉजी सच एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, विकीज एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलाबरेशन अमंग लाइब्रेरी स्टाफ एंड पैट्रंस। कोलाबरेटिव टूल्स या सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनाई जाती है या विकीज, ताकि जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स हों जिसमें कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट करें बिटवीन लाइब्रेरी स्टाफ एंड पैट्रंस। सिंपल सी बात। प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरीज यूटिलाइज वेरियस टेक्नोलॉजी फॉर प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटाइजेशन इक्विपमेंट एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। आजकल जो फाइलें आई हुई है पीडीएफ में, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आई हुई है उसका नाम क्या है? प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। ये इसीलिए कि क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को भी इसको जो टेम्परेचर चाहिए, डिजिटाइजेशन इक्विपमेंट जो आपने डिजिटल इक्विपमेंट बनाए हुए इसी के लिए खास टेम्परेचर चाहिए, और डिजिटल प्रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं मिसाल के तौर पर ये नॉर्टन एंटीवायरस वगैरह, तो कैरट फाइल को ये मुख्तलिफ किस्म के हादसा से बचाते हैं। डिस्कवरी सर्विस, डिस्कवरी सर्विस प्रोवाइड अ सिंगल रिसर्च इंटरफेस फॉर यूजर्स टू एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी कैटलाग, डेटाबेस, ई जर्नल्स एंड डिजिटल रिपोजिटरीज। आजकल एडवांस कंट्रीज की लाइब्रेरी को मैं अक्सर विजिट करता रहता हूँ। इन्होंने एक शर्ट टर्मिनल बनाया हुआ जिसमें मिसाल के तौर पर मुझे अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन पैकेज चाहिए तो मैं डिस्कवरी शर्ट में सर्विस में डाल दूंगा, वो मुझे रेफर करेंगे मुख्तलिफ डेटाबेस में, ये चीज़ प्रोक्वेस्ट पे पड़ी हुई, मेरार्ट पे पड़ी हुई है, ये टेलर एंड फ्रांसिस में पड़ी हुई, ये प्रेस राइडर में पड़ी हुई, ये जेस्टोर में पड़ी हुई, ये लाइब्रेरी के अपनी कैटलाग में पड़ी हुई। तो इसको क्या कहते हैं? डिस्कवरी सर्विस। तो ये चंद टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको इनकम पास करके दे दी, ये बहुत बड़ा ब्रांड और वसी है भाई। जैसे मेरा एरिया फैंटास है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप मेरे गूगल स्कॉलर पे जाए, आप एलआई स्कॉलर, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया। आप यूँ भी करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, खसूसी तौर पर लाइब्रेरी प्रोफेशनल के साथ, और फीडबैक से भी नवाजते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।